हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। राधे कृष्णा, जय जय श्री राम, जय माता दी। और आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा वाले दिन हमने क्या बनाया है व्रत में, तो व्रत में हमने क्या बनाया है। आज थी बुध पूर्णिमा, तो आज हमने क्या बनाया है, तो ये हम बना रहे हैं खीर। खीर में मैंने डाले हैं 1 लीटर दूध है, दूध में थोड़े से चावल, 50 ग्राम भी चावल नहीं है, मैं थोड़े से चावलों की खीर बनाती हूँ। और इसमें मैंने डाली किशमिश, गोला, काजू और बादाम को पीस के डालती हूँ। और ये देखो हमने बनाए सूखे आलू टमाटर के साथ, तो वो मैं कैसे बना रही हूँ ये देखो। मैंने 7-8 आलू उबाल लिए थे, और उबाल के आलूओं को और टमाटरों को बीज निकाल के, टमाटरों के बीज निकाल के मैंने उनको काट लिया था। इसमें काटा मैंने धनिया हरा और सारे मसाले, नमक को छोड़ के, मिर्च, धनिया, काली मिर्च और लाल मिर्च, इनको सबको मैंने इसमें घोल के रख दिया थोड़ी देर। और मेरे से गिर गया था चमचा, चमचा नहीं है ये ना जो पानी निकालते हैं ये वाला, मेरे से बार बार गिरता रहता, मैं दूसरा इसको चेंज करूँगी, बदलूँगी। और इधर सिखा भी काम कर रही है, मैं बना रही सब्जी, और इसने मिक्सी को साफ़ किया, इसने कॉफ़ी बनाई थी तो कोल्ड कॉफ़ी, उसका साफ करके अब ये रख रही है, मैं बना रही सब्जी। और मैं इसमें डालूंगी जीरा, और ये थोड़ी सी हरी मिर्च को काट लूंगी। और यहाँ कुछ गिर गया था तो वो मिल नहीं रहा था, तो शिखा उसको पूछ रही थी बार बार, तो मैंने कहा मेरे को पता ही नहीं है, मैं बस बिजी हूँ। कुछ नहीं गिरा था, धनिया था, धनिए को ढूंढ रही थी, और धनिया अंदर को रख गए थे ये शर्मा जी, मिल नहीं रहा था, अब मिल गया। तो मैंने काट लिया धनिया, हरी मिर्च, टमाटर बीज निकाल के, और इनको मैंने पीस लिया है, पीसा नहीं है तो बहुत बारीक बारीक काट लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा, और जीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी मैं टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, इसको मैं डाल दूंगी इसके अंदर। इसमें मैंने ये जो सारा मसाला घोल के रखा तो इसको डाल दिया, थोड़ा मसाला ना सही से भुन जाता है, हम ऐसे डालते हैं ना सब्जी में, अब आज मैंने प्याज व्याज तो डालनी नहीं है, तो इसके लिए मैं ऐसे सब्जी बना देती हूँ तो बहुत टेस्टी बनती है ये सब्जी आलू की। और अब इसमें नमक डाल दूंगी, बाकी सारे मसाले मैं इसमें डाल चुकी हूँ, बस गरम मसाला रह गया है। तो गरम मसाला की बजाय मैं सब्ज़ी मसाला घर पे बनाया हुआ है मैंने, तो वही मैं डालती हूँ इसमें, हर सब्ज़ी में मैं देख लेती हूँ, तरी वाली सब्ज़ी में या सूखी सब्जी में जिसमें डलता है वो मैं डालती हूँ। तो इन आलूओं को मैं कट कर लूँगी चाकू से। इधर से का बर्तन धो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी के वजह से परेशान है, एसी से निकलो तो ऐसे लगता है जैसे भट्टी में आगे बाहर। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये घर का मसाला बना हुआ है सब्जी मसाला, काली मिर्च, और सब डाल के इसको अच्छे से भून लूंगी, फ्राई कर लूंगी अच्छे से। टमाटर को बिल्कुल पीस लेती हूँ, तो ये देखो टमाटर बिल्कुल पिस गए ना बिल्कुल। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये आलू, बस हमारी सब्जी होगी तैयार बन के, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं ये वाली सब्जी, और पूरी के साथ, तो मैं बनाऊंगी इसके साथ पूरियां अजवाइन वाली, और इसमें मैं ऊपर से भी धनिया डाल दूंगी, ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। सुबह सीताफल बनाया था तो वो भी थोड़ा सा रखा था, दोनों सब्जियां हो गई। अब ये हमारी सब्जी होगी बनके तैयार, बस बंद कर दूंगी। यहाँ मैं शाम का टाइम था तो मैंने आरती कर ली, आरती करने के बाद में
आरती होने के बाद में मैं अपने भगवान जी को भोग लगा दूंगी और दीपक को ऊपर रख के तैयार हो गई है, बस पूरियां बनानी है, पूरियां बन जाएंगी तो फिर मैं या मैंने जल छिड़क के जो भगवान जी का होता है, और अब मैंने पूड़ियों की लोइयां बना लेनी है, पेड़े बना बना के रख दूंगी, सिखा इनको सेक लेगी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने घी डाल दिया कढ़ाई में, अब पूड़ियां बनाएंगे हम। अब हलवाई आ गया है हलवाई पूड़ियां बनाएगा। तो यहाँ इसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है ना, जब तक घी गर्म होगा जब तक पूड़ियां मेल के रख लेगी। दिखा रही है गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी से अब गर्मी बहुत ज़्यादा है और किचन में तो बहुत ज़्यादा लगती है ना। तो मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ, ये बेल रही है। बस भगवान जी का भोग बन के तैयार हो रहा है, भगवान जी का भोग बना के फिर चंद्रमा को अर्घ दे के फिर खाना खाएंगे, सब लोग इकट्ठे बैठ के खाएंगे। और शर्मा जी लेट हो जाते हैं आजकल, 9 बजे आने लगे हैं। बस अब ये भगवान जी का भोग तैयार हो गया है। हम लोग इंजॉय करते हुए पूरियां बना रहे थे। और ये सब्जी है आलू की, और ये प्रसाद है जो सत्यनारायण का होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं ना, वो वाला प्रसाद है, पंजीरी और पंचामृत। इसको मैंने और ये दिखा रही है कि देखो पसीने कितने आ रहे हैं, आरती का हाथ था ये। आरती बोल रही है कि बहुत पसीना आ रहा है, पसीना तो आएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस अब ये प्रसाद मैं लेके जा रही हूँ भोग लगाने के, अब सिखा बना लेगी सब पूरियाँ। और तो मैंने इसमें डाला तुलसी का पत्र, तो यहाँ पर आपको साफ नज़र नहीं आएगा क्योंकि लाइट सीधी पड़ रही है। बस भोग लगा के और मैं ठाकुर जी को अंदर सभी का स्वागत है माधव की रसोई में। एसी में बैठे रहते हैं वो, तो उनका मैं यहाँ भोग लगा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और राधा रानी और माधव को भोग लगाया मैंने, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।